इंद्रजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? तू क्या समझता है, रतन कुमार को मारकर तू बच जाएगा? अगर तू भागकर सात समंदर पार भी गया होता तो कानून तुझे पकड़ लेता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रतन कुमार अच्छा आदमी था, जब जिंदा था तो लोगों की मदद करता था, जब मरा तो हमको 50 लाख दे गया। उसकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। बिल्कुल प्रिय, बड़ा अच्छा। हजूर, इंस्पेक्टर ने अश्विनी साहब को अरेस्ट कर लिया। कैसे गिरफ्तार किया? तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं थी? चलो। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों किया? मेरे बेटे को, दुर्जन राय के बेटे को। बेटा होगा तुम्हारा, मेरे लिए सिर्फ एक खूनी है। खूनी? खून करना हमारे लिए कोई जुर्म नहीं है, और हमारा पेशा है खूनी को पकड़ना। मेरे बेटे को छोड़ते हो कि नहीं? छुड़ाना है तो अपना वकील लेकर थाने पर आओ। तू क्या समझता है, मेरे बेटे को लेकर थाने तक जा सकता है? मैं तो इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा, अभी सिर्फ थाने तक। ये वर्दी वाले, यहां से थाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, बीच में तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। दुर्जन राय, वर्दी वालों के बारे में तुम्हारी गलतफहमी आज ही दूर हो जाएगी। क्या देखते हो, आज बीच सड़क पर इसकी लाइफ फिट कर दो। लोग तो हमारे कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत करते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती की। अब देखना मैं तेरे को क्या करता हूँ। तुम सब लोग देखना, आज मेरी जूती बताएगी कि यहाँ पुलिस की ड्यूटी क्या है। अश्विन। यस डैड। इसने तेरे को गिरफ्तार किया ना, ले आज इसके बदन पे अपने खानदान की खूनी मोहर लगा दे।